सारे ही पंजाब तो दूर दराडे तो पहुंचे हुए भैन भरावो बच्चों नौजवानों, सब तो पहला फतेह की सांझ पाइए, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें भाई साहब पहला मोहाली वाले सुन सारिया गल्लां दस के गए ने, 100% सिंचाई दे नेड़े ने, क्योंकि अज बच्चे नूं गए नूं 5 महीने पूरे होके 6वां स्टार्ट हो गया। शायद डे बाई डे आपां दिन गिणदे रहांगे, समां बीतदा जाएगा, पर जिहड़ियां उम्मीदां दे नाल आपां सारे समुचे प्रशासन नूं टाइम दित्ता, कोऑपरेट कीता, शायद उस चीज़ को अपनी कमजोरी समझ लिया गया है। क्योंकि मैं सोचता सी भी अपना परिवार है बहुत वड्डा, सिद्धू नूं चाहुण वाले ने बहुत वड्डी तादाद दी, मैं कोई ओहो जिहा कम ना करा जिहदे नाल कोई सरकारी प्रॉपर्टी जां कोई नुकसान वाली गल कोई हो जाए तां लोक मैनूं इह ना कहिण भी आपदा मर गया सी, लोगों के भी बर्बाद। मैं इस गल का मारा हूँ तक एक गल तो गुरेज करता आ रहा है भी मैं कितने धरना मुजाहरा ना करा, मैं अपनी अपील लेके जावा अफसर को, शायद मेरी सुन लैन। पर इहदा उल्टा असर की होया तुसीं इह देखो, इह तां सैलीब्रिटी सी, सरकार दा सम्मानयोग नागरिक सी, 2 करोड़ रुपया टैक्स दे के और अपने भरावां नूं यूथ नूं दोबारा खेती वल मोड़ रहा सी, जिहड़ी एक होड़ मची हुई है प्लस टू तो बाद आईलैट्स करके साडा यूथ सारा बाहर नूं तुरिया जा रहा है। जे कहां तां पंजाब खाली करवाउण वाली गल है तां इह कोई अतिकथनी नहीं होगी। असी इस वर्तारे के उत्तों चिंतित सी, वो भी अक्सर गल्लां करता सी भी जे आपां मेहनत करिए तां इत्थे की नहीं हो सकता। उन्हें अमेरिका कनेडा वर्गे मुल्कां नूं छड्ड के आपदे इलाके नूं चुनिया, आपदे खित्ते नूं चुनिया, इत्थों दीआं सिहत सहूलतां नूं बेहतर करन बारे उहदे मन दे विच बड़े मनसूबे सी, पर उहदे बदले साडे दुआले साडिआं ने गैंगस्टरां दे जाल बुणने शुरू करते, 40 बंदे साडे घर ते लाते, जिहड़े महीना भी नहीं जिउंगे वीरो, असीं सिक्योरिटी दा करके जां भुलेखा सी जां असीं थोड़े बहुते तनात सी उहदा करके लंघ गए। इहदे बावजूद गौरमेंट कर की रही है, तुसीं इह गल देखो, गोल दी इक पोस्ट पा दिंदा उत्थे बैठा ਤਾਂ NIA ਵੀ ਸਮਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਖਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਹਲੇ ਵਾਰੀ ਕਰਿਆ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖਦੇ ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸੁਖਦੀਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ,
मैं उन्हें मरवाने वाले बंद ने नाम पूछना एजेंसिया तो जो दस तो समर्थ ने और गैंगस्टर का एक नतीजा बना के वो अंदर एक सिद्धू नूं भी एक मर्डर गैंगवार का नतीजा बनाने चाहते तुसी आप सियाने हो जिहड़ा जवाक सवा करोड़ रुपया के शोधा लैंदा एक छोटी जी बाइट पा दे 20 लाख रुपया ले लैंदा है तो वीरो असी गैंगस्टर माड़े कमां चों पैसा कराऊंगे सानू शराब दे ठेके मिलदे असी दुकान नहीं ली भी दारू बेच के पैसा नहीं कमाउणा वीरो जदकि उह बिजनेस है कोई भरा तां लैंदा ही उहनूं पर मैं बड़े दावे नाल कहना मैं मेरे बच्चे की जो फीस भी भरी है वीरो खेती करके भरी है ना दी ना दिहाड़ नहीं लाई मैं ते 3-4 किले खेती करता सी समेस्टर की फीस पहला आड़ती दे विच पई हुंदी सी बच्चे की मैं कदे जेबां भर के कॉलेज नहीं तोरिया सी असी बाबे नानक दे फलसफे दे मुताबक किरत करके आपदा बच्चा पालिया सी असी गैंगस्टरां दी कमाइयां ते नहीं सी जे उन्हां दे मरे है ता SSP चहल साहब चंडीगढ़ च बैठे ने दसन 2020 दे विच FIR कातो होई सी पुछण उन्हां नूं कम की करते सी ओ लैणिया फरौतियां लॉरेंस नूं भरा बनाउणा आपदा मुड़ के तुसी शगनप्रीत दा नाम लेके ओ मेरे जवाक दे मौत दे वारंट कढ़ते हुण हुण थोनूं इंसाफ मिल गया मैं पुछना विक्की दा भरा अजय मिंटू खेड़ा कित्थे है हुण 4 महीने हो गए उन्हें कदे वीडियो पाई जिन्ना चिर मेरा पुत्त जिउंदा सी हर 1 महीने उहदी वीडियो पैंदी सी और शगनप्रीत दे जरिए सिद्धू वल्लों टारगेट करदा सी हुण मेरा पुत्त मारता हुण मिंटू खेड़े परिवार नूं जस्टिस मिल गया हुण क्यों नहीं गल होंदी क्योंकि उहनां दा टीचा इक्को सी सिद्धू नूं मारना सिद्धू एक साधारण व्यक्ति का मुंडा सी उहनूं बड़ी आसानी नाल मारिया जा सकदा सी गुस्सा आउंदा वीरो मैं ये गल सरकार नूं दसनी चाहुंना प्रेस दे माध्यम दे नाल अगर तुसी गैंगस्टर दा हिस्सा मेरे पुत्त नूं बनाउंदे हो मैं 25 तरीक नूं अपनी FIR चकरूंगा थोड़ा काम बिल्कुल सौखा कर दूंगा मैं वादा करदा मैं 1 महीना थोड़े मूंह वल वेखूंगा मैं DGP साहब तो टाइम मंगया ते मेरियां तकलीफां सुन लो जो जो सवाल मेरे मन दे विच ने उस तो बाद जे कहोगे मैं आपके बच्चे की FIR चकरूंगा मैं भावें बंगलादेश जाके रवां थोड़ा मुल्क छड़ दूंगा मैं थोड़े मुल्क तो कोई जस्टिस नहीं मिलनी जिहड़ी सरकार सच नहीं बोल सकती ਓਏ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ 20 ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੱਗੂ ਜਸਟਿਸ CI ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ USA ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਓਏ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਹਾਇਪ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀਰੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰੋਕੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਮੁੱਚੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ ਸੌ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਈਆਂ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਅੱਜ ਜੈਨੀ ਜੌਹਰ ਨੂੰ ਵੀ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਜਵਾਕੜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੂੰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸੂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ मैं एक सबका फौजी हाँ कानून के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा जे मैं लग्या भी मेरे मुल्क का संविधान मेरे उल्टा है तो वीरो आप हाथ खड़े कर दें आपकी जी है अपना मर गया आप फूकता किसी को कोई गर्व नहीं है इन्हों जे फिक्र है अगलिया इलैक्शन की फिक्र है जो मैं कह ठीक कह रहा मैं हाथ खड़ा करके दसो भी इस तरह करना बनता है क्योंकि मैं 5 साल हो गए 5 महीने हो गए लिगड़ियाँ कढ़ते उन्होंने फड़ दो कि जो प्रितपाल गैंगस्टर दीआं पार्टियां करता सी उन्होंने होटलों च जाके रोटियां खवाउंदा सी बाकी धीआं भैणां बैठियां ने सारियां मैं दस नहीं सकता भी उन्हें की सेवा की 1 महीना गैंगस्टर मेरे इलाके दे विच रहे उबे दा टारगेट जिथे रातां कट्टियां कोटड़े के बंद रातां कट्टियां सबनों पैसे लेके छड़ गया प्रतपाल कि उन्होंने दोबारे इन्वेस्टिगेशन नहीं बनती जदों एक कर्मचारी जिहड़ा मेरे केस दा जिहनूं मैं रब समझदा सी ओही विक गया उहदे वल्लों
की तफतीश छड़े हुए बंदे की दोबारा नहीं बचने चाहिए। तो बाकी कई बाई ने मैं डी जी पी साहब तो टाइम मंगया जे मैं टाइम देता क्योंकि जे मैं पहला नाम ले दिया उन्होंने फिर वो डिफेंसिव हो जाते हैं अगला भजन की कोशिश कर लेंगे इधर उधर। जे समा मिल गया तो दस जूर पहुंचूगा चंडीगढ़ नहीं देंगे तो आप नवंबर नवंबर का महीना बिल्कुल वेट करेंगे। सारे तुम कणक कुणक बीज लो खेतीबाड़ी रिझेवे सैट कर लो क्योंकि ये भी खानी है सारा साल फिर आप वेखते हैं किधर चल इना कहना होया क्योंकि तुम बहुत चिर वेट करी जाने हो। मैं ज्यादा समा नहीं लेंदा कोई शब्द बद भावुक होया कई बार घट बोल जाना तो संगत माफ कर योग है थोड़े सारे तो हाथ जोड़ के माफी चाहना पर यह लड़ाई है आप लड़नी पैनी है फिर आप सरकार का खेड़ा छड़ देंगे सरकार दी गारदा भी छड़ देंगे। आप गवर्नमेंट में गल कहना है मेरा पुत मर गया गोलियां दे नाल और उस राह ते मैं जाना चाहूंगा। मैं बड़े शौक न पालिया से मैं भी देखनी चाहना जो वो गोलियां बजिया भी किन्नी क तकलीफ होंगी है ते मैं भी परमात्मा अगे अरदास करना जेड़े रस्ते से मेरा पुत गया मैं एक डा के उस रस्ते से जाऊंगा पर मैं जस्टिस ले बिना पिछे नहीं हटूंगा। सरकारे तेरिया गारदा तेरिया सिक्योरिटियां तेन सलाम तेरिया सारिया छड़ दूंगा तत् कुछ दिनों की मोहलत दे रहे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह।